मनपा के विपक्ष नेता विकास ठाकरे ने सभी धर्मों के सार्वजनिक उत्सव पंडालों पर मनपा की स्पष्ट भूमिका रखने की मांग की है। साथ ही उन्होंने मेन रोड वाले सार्वजनिक पंडालों को छोड़कर बस्ती के सार्वजनिक पंडालों के लिए नियम को छूट देने की मांग की है। मनपा विपक्ष नेता माणिकराव ठाकरे ने सार्वजनिक पंडालों का मुद्दा उठाते हुए मनपा को अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखने को कहा है। ठाकरे ने कहा कि बस्तियों में होने वाले सार्वजनिक उत्सवों में लगने वाले पंडालों में नियमों में छूट दी जानी चाहिए। साथ ही मनपा द्वारा लगाए जाने वाले नियम कानून केवल भव्य मार्गों के पंडालों पर लगाने चाहिए, क्योंकि बस्ती में लगने वाले पंडालों से किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। इस संदर्भ में अपना पक्ष मनपा ने रखना चाहिए। शहर में सालों साल से धार्मिक उत्सव हो रहे, फिर किसी भी समाज का होगा, गणेश उत्सव है, दुर्गा उत्सव है, शारदा उत्सव है, ईद मिलन है, बौद्ध पूर्णिमा है, आम्बेडकर जयंती है, सब धर्म अपने उत्सव करते समय कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं। अगर मेन रोड के ऊपर यह उत्सव होता है तो वो उसे कोर्ट ने मनाई करने को होना। हमारी भूमिका यह है कि महानगर पालिका ने अपनी ओर से इस पिटीशन में इंटरव्यू करके जो मोहल्ले में होने वाले उत्सव है जिसमें 95% लोगों का सहभाग है, जो उत्सव होने की वजह से वहाँ के नागरिकों को दिक्कत नहीं आती, जाने आने के लिए आजू बाजू से रास्ते रहते हैं, ऐसी उत्सवों की सूची बनाकर इन लोगों को इस आदेश के बाहर किया जाए, ऐसी हमने हाउस में विनती की है। महापौर जी ने बोला है कि हमारी यह सभा होने के बाद हम आयुक्त जी के पास बैठ के इसमें कोई तो भी उपाय निकालेंगे। तो आपको बता दें कि सार्वजनिक उत्सव में लगने वाले पंडालों के लिए कोर्ट तथा मनपा की ओर से नियम कानून बनाए गए हैं, जिस संदर्भ में ठाकरे ने अपना पक्ष रखा है। कैमरामैन आकाश वाघ के साथ इमरान कुरैशी की रिपोर्ट, NBCN के लिए।